नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। दीपावली आ रही है, इस दीपावली में दीपावली 2022, इस दीपावली में हम माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारे उपाय करेंगे, लेकिन कई बार बड़े बड़े उपाय कर लेते हैं, छोटी छोटी चीजों को भूल जाते हैं। घर में सुख समृद्धि लाने के लिए वास्तु शास्त्र के कुछ नियम है, और खास करके हर व्यक्ति जूते चप्पल पहनता है, जूते चप्पलों से भाग्य बनता भी है और बिगड़ता भी है। कहीं आप जूते चप्पल ही आपकी दीपावली को खराब ना करते। घर में सुख समृद्धि लाने के लिए वास्तु शास्त्र के बहुत सारे नियम हैं, जिनको हमें पालन करने पड़ते हैं, जिससे हमारे घर से नकारात्मक चीजें जाती हैं, सकारात्मक चीजें आ जाती हैं। वास्तु में हर एक चीज की निश्चित दिशा और जगह बताई गई है। वास्तु में घर पर जूते चप्पलों को रखने के भी नियम बताए गए हैं। इन नियमों का पालन ना करने से सौभाग्य जो है दुर्भाग्य में बदल जाता है, आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है। भाई जूते चप्पलों से कैसे हम अपने घर को उनकी उनसे आने वाली नकारात्मक चीजों से कैसे हम खुद को बचा सकते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा, तभी दीपावली अच्छी मनेगी। जूते चप्पलों को कभी उल्टा नहीं रखना चाहिए, इससे घर में नकारात्मकता आती है और परिवार में सुख शांति बाहर चली जाती है। उल्टे सीधे चप्पल या जूते रखने से आपके घर में धन के आगमन का रास्ता रुक जाता है। जल्दबाजी में जूते चप्पलों को कहीं पे भी उतारे, एक चप्पल इधर फेंकी, एक चप्पल उधर फेंकी, उल्टे सीधे फेंके, ऐसा करने से घर में गरीबी आती है और घर के सदस्यों को आर्थिक नुकसान होता है, लड़ाई झगड़ा होता है। जूते चप्पलों को घर की उत्तर पूर्व दिशा में नहीं रखना चाहिए। उत्तर पूर्व दिशा पर जूते चप्पल रखने से सकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है, नेगेटिविटी आने लगती है, और ये दिशा माँ लक्ष्मी की होती है। जहाँ पे माँ लक्ष्मी है वहां पर जूते चप्पल का कोई स्थान नहीं है। इस दिशा में जूते चप्पल रखने से माँ लक्ष्मी चली जाती है आपके घर से। वास्तु के अनुसार घर में जूते चप्पल को हमेशा जूतों की अलमारी में ही रखना चाहिए। इस अलमारी में को हमेशा दक्षिण या पश्चिम दिशा में रखना चाहिए जूते चप्पल रखने के लिए, यही दिशा शुभ मानी जाती है। बाहर से आते वक्त जूते चप्पलों को दक्षिण दिशा या पश्चिम दिशा में ही उतारना चाहिए। वास्तु शास्त्र में जूते चप्पलों को घर के मुख्य द्वार पर उतारना अशुभ माना जाता है, और घर के बाहर चप्पलें कुटल कुटल ये वो ऐसे रखी हुई, जब चप्पलें पड़ी होती है उल्टी सीधी, माँ लक्ष्मी जिस दरवाजे से आ रही होती है, ऐसा गंध देखकर, ऐसी अव्यवस्था देखकर, गंदी शंदी चप्पलें जूते देखकर वो आप घर से निकलकर दूसरे घर में चली जाती है या कहीं और चली जाती है। तो क्या इन छोटी छोटी बातों से भी आपको सीख लेनी चाहिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी आप एक हाथ से पूजा करिए, दूसरे हाथ से दान करिए, पुण्य करिए, और अपने घर को गंदा रखिए, जूते चप्पलों को बिखराते रखिए, तो भी आपको कोई लाभ नहीं होगा। तो हमें इन बातों का भी विशेष ध्यान रखना होगा। ये दीपावली आपको मंगलमय हो, ईश्वर से हम ऐसी प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।